Dear students, welcome back once again. I hope you will be fit and fine. So let's move on the next question. What is the difference between primary and secondary memory? Primary और secondary memory के बीच में क्या difference है, क्या अंतर है? तो last day हमने primary और secondary memories के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या होती हैं ये primary और secondary memories, ठीक है? तो उनमें से ही कुछ एक differences जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं. It is an internal memory. प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो इंटरनल मेमोरी है, अंदर लगने वाली एक मेमोरी है, जबकि सेकेंडरी इट कैन बी अटैच्ड टू ए कंप्यूटर व्हेन एवर नीडेड. जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के साथ अटैच की जा सकती हैं व्हेन एवर नीडेड, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है. अब इसमें हार्ड डिस्क जो होती है सेकेंडरी मेमोरी, वो तो परमानेंट कंप्यूटर के अंदर लगाई गई होती है पहले से ही, बाहर से हम उसके अंदर कोई भी मेमोरी अटैच कर सकते हैं, ठीक है? जैसे पेन ड्राइव हैं, डीवीडीज़ हैं, फ्लॉपीज़ हैं, कुछ भी है हमारे पास जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ मेमोरीज हैं, उनको हम जब भी ज़रूरत पड़ती है उनको बाहर से अटैच करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सीपीयू. ये जो प्राइमरी मेमोरीज होती हैं वो सीधा सीपीयू के संपर्क में होती हैं, ठीक है? रैम और रोम जो होती है वो सीपीयू के सीधा संपर्क में होती हैं, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं वो सीपीयू के सीधा संपर्क में नहीं होती है. इट इज़ क्वाइट कॉस्टली, ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं और ये सस्ती हैं. इट इज़ चीप. इट्स स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉल, इनकी जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है. इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी लार्ज, जबकि इनकी जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है. कैपेसिटी मतलब क्षमता, स्टोरेज मतलब संचय करने की क्षमता जो है वो ज़्यादा है. इट इज़ ए फास्ट मेमोरी, ये जो प्राइमरी मेमोरीज होती हैं वो फास्ट होती हैं, क्योंकि इनका फास्ट होना इंपॉर्टेंट है, तभी तो कंप्यूटर के जो फंक्शंस होते हैं वो फास्ट परफॉर्म होते हैं, हैवी एप्लीकेशंस एकदम से ओपन होती हैं, क्योंकि रैम और रोम उसमें ठीक होनी चाहिए. इट इज़ स्लो मेमोरी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्लो होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरीज. चलिए अब बात करते हैं कि ये मेन मेमोरीज और प्राइमरी मेमोरीज जो भी हैं ये कौन कौन सी होती हैं और कैसे ये काम करती हैं. सबसे पहले है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सीपीयू, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, सीधा सीपीयू के संपर्क में होती है. रैम इज़ ए रीड राइट मेमोरी. अब रैम जो होती है ना, ये रीड और राइट दोनों होती हैं, ठीक है? अब देखो कंप्यूटर में हम वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर रहे होते हैं, एक्सेल में वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, यानी कि वहाँ से रीड भी कर रहे होते हैं, यानी कि ये रैम जो होती है वो दोनों काम करती है, रीड करने का भी और राइट करने का भी. वी आर ऑल दी कंप्यूटर टास्क परफॉर्म. अब कंप्यूटर के जितने भी टास्क होते हैं वो सारे के सारे रैम के अंदर चल रहे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था. जैसे ही हम कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशन खुलती है हमारी रैम के अंदर, ठीक है? तो इसलिए रैम की कैपेसिटी अगर चाहता है तो बड़ी से बड़ी एप्लीकेशंस आराम से हमारी खुल जाती हैं उसके अंदर, और उनके अंदर हम काम कर सकते हैं. और जितने भी हमारे काम चल रहे होते हैं टेम्परेरी, सारे रैम के अंदर चल रहे होते हैं. जैसे ले हम सेव दबाते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चले जाते हैं. इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर, ये जो होती है स्वभाव में चंचल होती है. वॉलेटाइल तभी हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें रीड राइट दोनों का काम होता है, ठीक है? रीड का काम मतलब इसमें से हम रीड भी कर सकते हैं इसको, राइट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. मीन्स इट लॉस्ट द डाटा व्हेन वी पावर ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. अब इसको वॉलेटाइल हम तब बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर को बंद कर देते तो रैम के अंदर का जो भी डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, साफ हो जाती है रैम. इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज लिमिटेड, इसकी जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल ही सीमित होती है, लिमिटेड होती है. जैसे 512 MB की होती है, लेकिन अब 512 बहुत कम रह गई हैं, 1 GB के यूज़ करें, 2 GB, 4 GB में, 8 GB में आ रही है, 16 GB में तक आ रही है, उससे भी ज़्यादा आ रही है अब रैम. रैम इज़ ऑफ टू टाइप, रैम जो है दो तरह की होती है, एक स्टैटिक रैम होती है एस रैम और दूसरी डायनेमिक रैम होती है डायनेमिक रैम, ठीक है? ये था रैम का कॉन्सेप्ट. अब चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, रीड ओनली मेमोरी, रोम. रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. अब इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ रीड करने का ही काम होता है, जबकि मोबाइल फ़ोन में थोड़ा सा अलग है एंड्रॉयड फ़ोन में. उस कॉन्सेप्ट को हम बाद में समझ लेंगे. दैट इज़ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सीपीयू, जो कि सीपीयू के सीधे संपर्क में नहीं होती है. इट इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ये जो होती है वो स्वभाव में चंचल नहीं होती है. मीन्स इट डज़ नॉट लॉस द डाटा व्हेन वी पावर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है ना वो लॉस्ट नहीं होता जब हम कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं.
अब रोम क्या होती है, इसके अंदर एक बूट स्ट्रैप कोड लिखा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे रोम कंटेन एन इनिशियल प्रोग्राम, रोम के अंदर एक प्रारंभिक प्रोग्राम होता है दैट इज कॉल्ड बूट स्ट्रैप लोडर। इस प्रोग्राम का नाम है बूट स्ट्रैप लोडर। अब इसका काम क्या होता है, बूट स्ट्रैप लोडर इज ए प्रोग्राम दैट स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन बी पावर ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। अब ये जो बूट स्ट्रैप लोडर होता है ये क्या करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं। इट लोड अ पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। ठीक है, वही चीज़ है, क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पोर्शन, एक पार्ट जो है वो हार्ड डिस्क में से लोड करता है हमारी मेमोरी के, मेन मेमोरी के अंदर, यानी कि रैम के अंदर। जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो कंप्यूटर आपको पता है धीरे धीरे शुरू होता है, तो ये बूट स्ट्रैप कोड क्या करता है कि हार्ड डिस्क के ऊपर जाता है, वहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट होता है, इनिशियल प्रोग्राम जो पार्ट होता है उसका, शुरू में जो प्रोसेसेज होती है उनको रीड करता है और एक पोर्शन उठाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और उसको रैम के अंदर आता है और हमें फिर LCD जो भी हमने लगाई होती है आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर हमें दिखाता है, एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। और बाद में पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाता है। रोम कैन बी क्लासिफाइड एज, अब रोम को भी वर्गीकृत किया हुआ है, रोम में है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या ई बी प्रोम है, अल्ट्रा वॉलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई टू प्रोम है। ठीक है, ये रोम की कैटेगरीज हैं। ठीक है, जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस की। अब ये सारी की सारी बेसिक जो चीज़ें आपको प्लस वन में आ रही हैं, सारी की सारी 9th और 10th में, आई थिंक ये 9th क्लास में थी आपको, व्हाट आर दी इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, ये दोबारा से आपको प्लस वन में ऐड कर दी गई है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। अब थोड़ी सी स्पीड हमने तेज़ रखी हुई है क्योंकि हम नई सी नई चीज़ें भी सीखेंगे, कंप्यूटर में एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा तो चलिए शुरू करते हैं। द इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू इंटरफीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। अब ये जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो आपको पता ही है कि किस काम आती है, हमारे डाटा को फीड करने में या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में फीड करने के काम आती हैं। सम कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेज आर, अब कुछ है कॉमनली जो इनपुट डिवाइसेज हम यूज़ करते हैं, वो है कीबोर्ड है, माउस है, जोस्टिक है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, OMR है, OCR है, माइक्रोफोन है, MICR है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम अपनी पहली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की तरफ। तो कीबोर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। अब कीबोर्ड जो है सबसे महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डाटा को फीड करने का, डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालने का। अब मोस्टली जो कीबोर्ड्स हैं आर अवेलेबल इन 4 104 कीज। अब ज़्यादातर जो कीबोर्ड है वो 104 कीज़ में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। अ की बोर्ड कंसिस्ट द फॉलोइंग कीज, अब की बोर्ड के अंदर ये सारी जो भी आगे दी हुई कीज लगी होती हैं इसके अंदर, जैसे अल्फ़ाबेट कीज ए टू जेड है, और स्मॉल में ए टू जेड, न्यूमेरिकल की 0 to 9 है, फंक्शनल की F1 to F12 है, स्पेशल करेक्टर कीज है, प्लस माइनस है, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, हैश है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, डॉलर साइन है, बहुत सारे हैं बाकी। ठीक है, नम लॉक की है, कैप्स लॉक की है, शिफ्ट की है, एस्केप की है, स्पेस बार है, एंटर की है, कंट्रोल एंड ऑल्ट कीज हैं, सेम जैसे मोबाइल फ़ोन का जो टच पैड होता है उसके ऊपर जो टच की पैड होता है, सेम वैसे ही कीज की होती है कंप्यूटर की। तो आई थिंक आज के लिए जो था हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट काफ़ी है, कल हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।